फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने राउज एवेन्यू के सरकारी स्कूल में बन रही सुपर साइट औचक का दौरा करके दिल्ली सरकार की पोल खोली। बुधवार की दोपहर 1 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जो प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से 500 तक दर्ज हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता और आपातकाल की स्थिति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को औपचारिकताओं की श्रेणी में रखकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण किस कारण हो रहा है इसकी पहचान के लिए केजरीवाल ने दावा किया था कि 20 अक्टूबर को सुपर साइट शुरू कर दिया जाएगा, जिसका राउज एवेन्यू के सर्वोदय विद्यालय में सुपर साइट पर औचक दौरा किया। आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि इसको अभी तक चालू करने के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं और सुपर साइट चालू करने के लिए सामान अभी पूरा नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषण की चादर से ढकी हुई है, प्रदूषण पे कोई काम नहीं हो रहा है, दावे बहुत किए जा रहे हैं। एक सुपर साइट का दावा किया था अरविंद ने, वो सुपर साइट का मैं सुपर सच दिखाने लाया हूँ। ये वो बिल्डिंग है जहां कहा जा रहा है एक सुपर साइट डेवलप की और ये सुपर साइट अक्टूबर में तैयार होकर के स्टार्ट होनी थी। जो दावे किए जा रहे थे कि प्रदूषण के कारण पता चलेंगे कि ये क्या ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण है, पराली की वजह से है या कंस्ट्रक्शन की वजह से है, उन तमाम चीजों पर बल्कि दावे किए गए थे कि IIT के लोग प्रोफेसर डॉक्टर्स यहाँ बैठ करके मॉनिटरिंग करेंगे। सच यही कि अभी तक ये अभी तक ये सुपर साइट स्टार्ट नहीं हो पाई, इक्विपमेंट्स अभी तक फिट नहीं हो रहे। अभी भी हमने जाके अंदर देखा, अभी भी पेटियों से सामान निकाला जा रहा है। तो सच यही कि अरविंद लगातार प्रदूषण पे दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, 1 साल से नहीं लगातार 8 साल से कर रहे हैं। कभी वो पराली को दोष मरते थे, कभी ट्रैफिक को दोष मरते थे, और इवन जैसी स्कीम ला करके सच्चाई है अपने गुनाहों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की आज भी स्थिति यह है कि AQI जो है 403 से ज्यादा अलग अलग लोकेशन पे है। जैसे बवाना का मैं हाल दिखा रहा हूं, अशोक विहार है, इसी तरह दूसरे और कई क्षेत्र हैं जहां पे लगातार पटपड़गंज दिल्ली 413 AQI, ये वजीरपुर लगातार दिल्ली के अंदर AQI 400 बना हुआ है। ये गंभीर स्थिति में AQI पहुंच गया है। जहां तक सवाल है साइट का, ये साइट एक बार 1 साल पहले लगभग ये स्टार्ट करनी थी, जिसपे 88 लाख रुपए का खर्च हुआ और उस समय ड्रॉप कर दिया गया, मंत्री जी ने ड्रॉप कर दिया। तो सवाल ये भी उठता है कि ड्रॉप क्यों किया गया और दोबारा फिर इसको स्टार्ट क्यों किया गया, समय पे ये पूरा नहीं होता है। तो आज यही सच दिखाने के लिए मैं आया हूँ। ये मीडिया रिपोर्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया था कि 88 लाख रुपए खर्च हुए और इसको उस समय ड्रॉप कर दिया गया। तो अरविंद के पास कोई समाधान नहीं है। दिल्ली के अंदर लोग बुजुर्ग हो, बच्चे हो, परेशान हो, वो स्वच्छ सांसों के लिए तरस रहे हैं।